हेलो, आज मैंने बनाया है ये दो दाल। तो मैं फुल वीडियो तो नहीं दिखा पाई, आज सोचा था आज से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सुबह का थोड़ा सा किया था, टाइम नहीं मिला। मैंने लिया था राजमा और ये हरी मूंग, साथ में मैंने तड़के के लिए काट लिया है लाल मिर्ची, लहसुन और प्याज, टमाटर। और फुल तो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। ये मैंने तड़के के लिए रख दी है कढ़ाई, और ये मैंने दाल मेरी रेडी हो चुकी है बनके। अब इसमें मैं लगाती हूँ तड़का, लगाती हूँ। कितने अच्छे से बन चुका है, दाल उबल गया है अच्छे से। मैं आप लोगों को तड़का दिखाती हूँ अभी। अभी दाल में, तड़के में मैं डाल रही हूँ जीरा और मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसी वजह से। और साथ में मैं डालूंगी इसमें, एक ही हाथ से डाल रही हूँ, थोड़ी दिक्कत है। मैंने इसमें डाल दिया, दाल अच्छे से बन गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। पहले मैंने वीडियो को ऑन किया था, टमाटर डाल दिया है मैंने। टमाटर को गलाने के लिए इसमें डालूंगी मैं नमक, ज़्यादा नमक, फिर उसका नमक डाल दिया। लास्ट में डालूंगी गरम मसाला, फिर उसकी हल्दी, सब्जी में डाल रही हूँ ये। पता नहीं आप लोग खाते हो कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने लिए थोड़ी सी बनाऊंगी। आप लोग शायद जानते होंगे इसको, इसको बोलते हैं पोई, पोई का साग बोलते हैं शायद। इसको अच्छे से काट के धो लिया मैंने, धोकर रखा है, बस काट के बनाऊंगी। आप लोगों को कैसे दिखा दिया कि मैं ये सभी खाती हूँ, तो ले खाती हूँ तो इसकी वजह से मुझे ये सभी खाना पड़ता है, सारी सब्जी। चलो मैं तड़का हो जाए तो मैं दिखाती हूँ अपने लोगों को। कितना काम होता है मुझे, सुबह नाश्ता, दोपहर को ये खाना, फिर बीच में टाइम निकाल के क्रंच वीडियो, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। दिन में बहुत काम है, जब तक ये टमाटर गल गया तब तक मेरी दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है। तब तक दाल में कितना दाल को अच्छे से उबालनी भी पड़ेगी, जब तक ये तड़का बनती है तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ पौधे। ये देखो आप, ये वाला पौधा, इसकी बस एक डंडी तोड़कर आप लगा सकते हो। इसको घर पे लगाना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है इसे लगाना। ये देखो, इसकी कोई पौधे की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई भी टाँगी अच्छे से तोड़ कर आप लगा सकते हो। और ये, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी आप लगा दो हो जाएगा। अगर ग्रो नहीं करता है तो इसकी मिट्टी बदल दो तो जल्दी हो जाएगा। ये ऐसा ही था, मेरा हो नहीं रहा था, ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने इसकी मिट्टी चेंज कर दी है तो अब होने लग गया। और ये पौधा, ये भी बहुत ही, इसको लकी मानते हैं काफ़ी लोग, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बस ये लंबा होता जाता है
और इसकी जैसे ये सूखे हुए पत्ते ऐसे तोड़ दिया करो आप। और इसका लगाने का भी काफ़ी है, मतलब इसको लगाने से पहले इसके गमले में इसके जड़ को डालने से पहले इसके नीचे 1 रुपए का सिक्का और एक पता नहीं गोमती चक्र ऐसा कुछ डाला जाता है। और ऐसे ही होता है ऐसे मनी प्लांट के साथ भी, मनी प्लांट को भी लगाने से, बहुत सारे लोग कहते हैं मनी प्लांट होता नहीं है, पर इसको लगाने की तरीका है, अगर लगाओगे तो आप कहीं भी हो जाएगा। मैं तो किसी भी गमले में कोई भी टानी तोड़ कर लगाती हूँ, हो जाता है, पर इसको भी वही है। इसको लगाने से पहले आप एक सिक्का और गोमती चक्र जरूर डालना। और ये है तुलसी, तुलसी को, तुलसी के पौधा को भी वैसे ही लगाते हैं। इसके पौधे के लगाने से पहले मिट्टी में डाला जाता है सिक्का और गोमती चक्र डाल सकते हो आप। इस गमले में देख सकते हो मैंने ये हल्दी भी लगाया है, साथ में तुलसी जी है, जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं वो तोड़ दिया करो आप लोग। और साथ में ये गेंदे, गेंदे आजकल होता नहीं है। और एक मैंने लगाया करी पत्ता, करी पत्ता बहुत है मेरे घर पे, पर मैं हमेशा जब भी दाल में तड़का लगाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं कैसे पौधा लगाती हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, जब भी कोई मैंने नया पौधा लगाया। तो चलो आप देखते हैं हमारा सब्जी का क्या हाल है। जब तक मैं बाहर की पौधे की वीडियो बनाया तब तक मेरी ये टमाटर गल चुका रहा हूँ अच्छे से। अच्छे से आप सब्जी की अच्छी मदद से अच्छे से आप टमाटर को भर सकते हैं। मुझे बताना आप में से कौन कौन सब लोग ये सब खाते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं खाती हूँ, दाल उधर उबल रहा है और मैं उसमें तड़का डाल देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तड़का मैंने ऊपर में डाल दिया है और उसकी कढ़ाई में मैंने ये थोड़ी सी जो साग है अपने लिए बनाया है। फिर कुछ नहीं डालना, बस आप जीरा डाल के लहसुन डाल के पत्ता लगा दो। ओके, अब दाल हो जाए और ये बन जाए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल देखो अच्छी से दाल हो गई है, अभी बहुत ही अच्छे से हो गया है, कलर भी उसका बहुत अच्छा है दाल का। तड़का लगाने के बाद दाल को अच्छे से उबालना बहुत जरूरी होती है। हमारी दाल हो गई है रेडी, इसके ऊपर डालना है हरा धनिया और इधर ये भी बन गया है थोड़ा सा। मैंने अकेले नहीं खाना है, काफ़ी है मेरे लिए, ये बन चुका है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा खाना हो चुका है रेडी खाने के लिए। यह है दाल, सब्जी, हरी मिर्च घर का है और ये है राइस। खाने की दोपहर का खाना रेडी हो चुका है, बस इतना ही सिंपल खाना। चलो मैं खाती हूँ खाना और आप लोग वीडियो एंजॉय करना। बाय।